नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं यहां पे सम्मू बॉर्डर यानी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, जहां पर किसान ने दोबारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अपनी मांग मंजूरी के लिए यहां पे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। मैं हूं सुमित शर्मा। बातें किसान की, जो एमएसपी की बात कही गई थी, उस एमएसपी की बातों को मनाने के लिए यहाँ किसान धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से कह रही कि हमारी मांग पूरी की जाए। चाहे किसान के जो 700 किसानों की शहादत हुई थी उनके मुआवजे की बात हो, चाहे थार से कुचल दिए गए किसान उनके अपराधी को जेल में डालने की बात हो, चाहे किसान की जो कृषि लागत है, कृषि लागत के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के मुताबिक उनके मुनाफे के लिए एमएसपी फिक्स किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर किसान यहां धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है। मैं हूं सुमित शर्मा, बात करता हूं तमाम उन मुद्दों को लेकर। बात यह, जो पिछले 4 दिनों से जिस तरह से किसान यहां धरना प्रदर्शन के लिए अपने जो दिखा रही है, जो ताकत दिखाई है, उन ताकत से कहीं ना कहीं सरकार डर गई है और सरकार डरने की वजह से अपने तमाम मंत्रियों को बातचीत के लिए लगा दिया है, लेकिन उस बातचीत के सिलसिले में कोई सुलह होती ही नहीं दिख रही है। सुलह होती हुई इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और मुंडा साहब ने किसान के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात की और बातें तो की, लेकिन कुछ मांगों पे सहमति नहीं बन पाई है। और किसान की लगातार वही मांग है, हमारी जो मांग है उसको तुरंत लागू किया जाए और तुरंत मान ली जाए, जिसकी हमारी जो किसान समुदाय है, किसान समुदाय हित के लिए कार्य हो। बात इनकी यह है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से किसान ने प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, और कारण एक ही है, इन किसानों का कहना है कि जो हमारे तमाम जो कानून है वो पूंजीपतियों के लिए तो है लेकिन हमारे खिलाफत है। इसी के मद्देनजर आपने देखा भी होगा इस शंभू बॉर्डर पे किसानों और पुलिस प्रशासन और शासन के बीच में झड़प, जिनकी वजह से कई किसान घायल हो गए और जिनकी वजह से इनको तमाम मीडिया के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा होगा ये किसान नहीं है। अगर किसान होते तो इनका काम सड़कों पे क्या है, लेकिन ये तमाम आप जो ट्रॉलियों का जो जमावड़ा देख रहे हैं ये बता रहा है कि ये किसान ही है, क्योंकि किसान जब सड़क पे आता है तो सत्ता के गलियारे में कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि उनकी सत्ता चली जाएगी। उन्हीं सत्ता के जाने की डर से इन किसानों को तमाम जो वो संबोधन है उन संबोधन से इनको बदनाम किया जाता है। पिछले किसान आंदोलन में भी इन तमाम किसानों को भारत सरकार द्वारा और तमाम मीडिया द्वारा इनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था, किसान का मानना है वो सरकार का नुमाइंदा था, उसके ऊपर भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। बात किसानों की है, किसान वो तमाम मुद्दे को लेकर यहाँ पे मौजूद है। बात आज किसान का कहना है कि हमारे ऊपर 60% से ज़्यादा कर्ज हो गया, लेकिन भारत सरकार हम एक तरफ पूंजीपति यानी उद्योगपतियों का 7.5 लाख करोड़ का लोन या कर्ज तो माफ़ करती है, लेकिन किसानों को उस कर्ज में ढकेलते हुए चली जा रही है। किसानों की मांग है कि जब हमारी जो फसलें हैं, आप चाहे बीज की महंगाई देख लीजिए, चाहे सिंचाई की देख लीजिए, चाहे बिजली के देख लीजिए, चाहे खाद का देख लीजिए, इनकी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कृषि लागत इतना बढ़ गया है कि उनके जो एमएसपी की बात जो कर रही है उस पर कहीं ना, इनका किसानों का कहना है कि सरकार ने ही बताया है कि 200 रुपये प्रति क्विंटल जो लागत लगती है गेहूं की उस पर नुकसान होता है, वहीं 680 रुपये प्रति क्विंटल धान जो है उस पर जो लागत लगती है उस पर नुकसान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसान परेशान है। किसान का एक ही सवाल है कि हम अगर सत्ता बना सकते हैं तो सत्ता गिरा भी सकते हैं, हम झुकने वालों में से नहीं है, झुकाने वालों में से हैं। और ये हर बार किसानों ने करके भी दिखाया है। आपने देखा होगा जिस तरह से 3 काले कानून लाए गए थे पिछली बार, तो इस किसान ने ही सरकार को घुटने के बल पे झुका दिया था। फिर दोबारा वही समय आया है, किसानों ने कहा है 2024 का चुनाव नजदीक है, तो 2024 के जो सत्ता का जो दंगल है उस दंगल में जो सत्ता के जो राजनीतिक नेता और राजनीतिक पार्टी है उनको वोट के माध्यम से और इस धरना के माध्यम से किसान उनको उनकी औकात दिखाने का काम करेगी। अगर किसान की बात नहीं मानी गई तो पूरे देश में एक जन आक्रोश रैली होगा, आंदोलन होगा, और ऐसा ना हो
कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी बन जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को पूरी तरह से समझ रही है। इस तरह से हरियाणा सरकार को जिस तरह से इन्होंने इस काम के लिए लगा दिया गया है कि किसी भी हालत में किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने देना है, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आका किसान को आंदोलन करना देना नहीं चाहती है। और किसान का एक तरफ मानना है कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में किसान अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारत जहां हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं, जहां किसान देश को संचित करने का काम करता है, सींचने का काम करता है, उस आज़ाद भारत में किसान पे गोलियां चलाई जा रही है, किसान पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। और किसान का ये भी मानना है कि हमारा बेटा जवान बनता है, हमारा बेटा अधिकारी बनता है, हमारा बेटा वो तमाम क्लर्क बनता है, मजदूर है, और उन्हीं बेटों को आज हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है। हमें तो ये लगता है इस सरकार ने बाप और बेटे को लड़ाने का काम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किसान और किसान का बेटा एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का काम करेगी। जय हिंद, नमस्कार।